हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मेथी मटर मलाई, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। रेस्टोरेंट में जाके आप जब भी खाते हो तो बहुत ही पसंद आती है, तो वही टेस्ट हम घर पे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये 2 कप मेथी। मैंने इसे अच्छे से तोड़ के साफ़ कर लिया है, धो के भी लिया है। मैं इसे अब काट लेने वाली हूँ। लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं इसे बारीक बारीक काट लेती हूँ। तो मैंने मेथी को काट लिया है, अब मैं इसे बॉईल करूँगी। गैस में मैंने पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी मेथी जो काट ली है, वो डालूंगी। 1/2 स्पून नमक, इसमें ही हम मटर डालेंगे। मैंने 1/2 कप मटर लिए है। इसे 2 से 3 मिनट तक हमें इसे बॉईल करना है। मेथी का कलर हमें चेंज नहीं करना है, तो हिलाते हुए और बारीक गैस पे इसे हमें बॉईल करना है। कढ़ाई में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल, 1/2 टीस्पून जीरा। इसे थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें ही हम डालेंगे कुछ लहसुन कलियां 5-6 और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जैसे मैंने काट लिया है, और 2 मीडियम साइज के मैंने प्याज कट कर लिए हैं, एकदम रफली कट कर लिया है मैंने इसे, क्योंकि मिक्सी में हमें पीसना है, तो बड़ा बड़ा ही मैंने इसे काट लिया है। प्याज का कलर हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ उसका कच्चापन दूर करना है। तो 3-4 मिनट तक हम इसे भून लेंगे। पालक भी हमारा पक चुका है, 2 मिनट हो गए हैं। मैं इसे निकाल लेती हूँ। एकदम ठंडा पानी है, इसमें आइसक्रीम भी डाल दी है मैंने, क्योंकि हमें मेथी को ज़्यादा पकाना नहीं है, उसका कलर हमें चेंज नहीं करना है। मैं इसका पूरा पानी निकाल लेती हूँ, इसे निचोड़ के एक बोल में रख देती हूँ। प्याज हमारा भून चुका है, मैं उसमें 7-8 काजू के टुकड़े डाल देती हूँ और इसे मैं ठंडा करके मिक्सी में पीस लेती हूँ। पीसते समय हमें पानी नहीं डालना है इसमें। अगर आपका पेस्ट नहीं बन रहा हो तो भी आप 1 से 2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, या फिर मत डालिए पानी, वैसे भी आप इसे पीस लीजिए। अब हम कढ़ाई में डाल देंगे 2 टेबल स्पून तेल और डाल देंगे 2 टेबल स्पून बटर। आप पूरा बटर में भी बना सकते हैं या पूरा आप तेल में भी बना सकते हैं। अब हम उसमें डालेंगे जो प्याज भून लिया था, उसकी मिक्सी में मैंने पीस के पेस्ट बना ली थी, वो डालेंगे उसमें। पीसते समय मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था, एकदम महीन पीसनी है हमें। इसे करेंगे पीछे मिक्स, थोड़ा सा भून लेंगे 1 मिनट तक। गैस हमारा हमें लो ही चाहिए। पेस्ट हमारी भून चुकी है, अब मैं उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको लाल मिर्च
पसंद नहीं है, कलर चेंज होता है तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं पीसते समय। ये जीरा गरम मसाला है हाफ टी स्पून, और एक जीरा मसाला है हाफ टी स्पून। इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्दी पाउडर अगर आपको कलर चेंज होता है अगर पसंद हो तो डाल सकते थे, सफ़ेद आपको रखना हो तो आप मत डालिए। इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसी जार को मैंने धो के लिया है। थोड़ा सा प्याज बड़ा करेंगे, इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। स्वाद के अनुसार नमक, और डालेंगे 1 टेबल स्पून चीनी। अगर मीठा आपको पसंद ना हो तो आप चीनी ना डालें। इसे करेंगे मिक्स। इसे और 1 मिनट तक पका लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे मटर और मेथी जो हमने उबाल ली थी, उसे डालेंगे। इसे करेंगे अच्छे तरह से मिक्स। क्रीम हम लास्ट में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम, आधा से 1.25 कप मैंने क्रीम ली है। जैसे ही हम क्रीम डालेंगे तो गैस बंद करेंगे। इसे करेंगे अच्छे तरह से मिक्स। सब्जी हमारी हो चुकी है, मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो मेथी मटर मलाई हमारी हो गई है तैयार, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बच्चों को पसंद नहीं आती ज़्यादातर मेथी, क्योंकि उसका स्वाद थोड़ा सा कड़वा होता है। तो इस प्रकार की अगर आप उसको उन्हें बना के दे दोगे तो बहुत अच्छे से चाव से खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगी। अगर आपको भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे दूसरे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।